नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना कब शुरू कब खत्म, पहली बात। और कौन से योग और संयोग है, क्यों आता है सावन का महीना और क्यों चले जाते हैं भगवान विष्णु शयन निद्रा में। यानी एक तरफ भगवान विष्णु चार महीने के लिए शयन में जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार सहित इस धरती पर विराजमान हो जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि सावन का जो महीना है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पांचवा हिंदी कैलेंडर का महीना माना जाता है, फिफ्थ मंथ माना जाता है, जो कि 25 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और 22 अगस्त को सावन की समाप्ति होगी। जैसे भोलेनाथ आते आते आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे ना, वैसे ही जाने के समय में भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बड़ा ही पावन महीना, बड़ा ही उत्तम महीना माना जाता है ये। योग और संयोग की बात करते हैं, क्योंकि एक तो तरफ 29 डेज का 29 दिन का है सावन का महीना और चार सोमवार चार मंगलवार हैं इस सावन के महीने में। हर दिन की अपनी एक महत्वता होती है। चलिए हम बात करते हैं कि योग और संयोग की। सावन का महीना रविवार यानी संडे से शुरू हो रहा है, 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और संडे यानी रविवार के दिन ही समाप्ति होगी, जो कि 22 अगस्त की है। तो देखा आपने, 29 दिन का सावन, पहला तो रविवार से रविवार तक का योग बन रहा है। शुरुआत में बन रहा है शुभ योग, यानी जब शुरुआत होगी इस महीने की शुभ योग से होगी और पहला सोमवार पड़ जाएगा सौभाग्य योग के साथ, और इसी बीच में सर्वार्थ सिद्ध योग भी पड़ने वाले हैं, वो भी योग पड़ेंगे। कर्क संक्रांति इसी महीने में होती है। कर्क संक्रांति यानी कर्क राशि में सूर्य का विराजमान होना, उत्तरायण का अंत काल माना जाता है और दक्षिणायन का शुरुआत माना जाता है, जो कि मकर राशि मकर संक्रांति में जाकर के दक्षिणायन जो है समाप्त होगा। मौसम में बदलाव आना स्वाभाविक होता है इस समय। आयुष्मान योग, शुभ योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, ये सारे योग इस महीने में आप पाएंगे और बहुत ज़्यादा लाभ पाएंगे आप इस महीने के अंदर। अगर आप कुछ रेमेडीज़ कुछ उपाय करते हैं, कुछ आप छोटे छोटे रिचुअल्स करते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु तो निद्रा में गए हैं लेकिन भगवान भोलेनाथ के पास ये सारा कारोबार है, तो आपने ये जिम्मेदारी जो भगवान भोलेनाथ को मिली है तो वहाँ आपने अपनी एक मनोकामनाएं भी रख देनी है, वो जिम्मेदारी भी पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, जब निद्रा में सोते हैं जब जाते हैं तो तभी भगवान भोलेनाथ, क्योंकि जब भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर के अपना विश्राम करते हैं तभी महादेव भोलेनाथ ये सारा कार्य संभालने के लिए, इस धरती का पूरा कार्य संभालने के लिए, सृष्टि का पूरा कार्य संभालने के लिए पृथ्वी पर विराजित होते हैं। तो कितना आसान हो जाता है हमें अपनी मनोकामनाएं पहुंचाने के लिए। कर्क संक्रांति के साथ ही थोड़ा मौसम में बदलाव भी आता है, ठंडक होने लगती है, थोड़ा सा मौसम अच्छा होने लगता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ करते हैं त्रिनेत्र, जब भगवान भोलेनाथ को हम त्रिनेत्र करते हैं, आपको मालूम है त्रिनेत्र की क्या परिभाषा? त्रिनेत्र मतलब सूर्य दाहिनी तरफ, भगवान भोलेनाथ के दाहिनी तरफ इन्होंने एक मान्यता इसकी बताई, और बाईं तरफ चंद्रमा, अग्नि मध्य नेत्र में होती है। तो त्रिनेत्र की परिभाषा को आप समझ गए। नक्षत्रों के आधार पर महीने का नाम होते हैं। जैसे श्रावण महीना की बात करते हैं तो श्रवण नक्षत्र ये आधार है श्रावण महीने का, और जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा तो अपने मस्तक पर विराजित रखा हुआ, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन सूर्य कर्क राशि में प्रवेश होने से ये जो सावन का महीना होता है इसकी शुरुआत होती है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के रोग हैं, चंद्रमा की आपको लगता है क्षीण है, अच्छी समस्याएं नहीं, आप बहुत सारी समस्याएं झेल रहे हैं, अच्छी स्थिति नहीं है चंद्रमा की,
तो आप इस महीने बहुत सारे ऐसे उपाय कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, चांदी की चीज़ों का आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, बनवा सकते हैं, और गंगा जल का खास करके प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इस समय कर सकते हैं। अब इसी महीने के कहते हैं कि सावन के महीने में चार सोमवार भी हैं। जो पहला सोमवार पड़ेगा वो 26 तारीख को ही पड़ेगा, 26 जुलाई को पड़ेगा, और ये पहला सोमवार जो है वो बहुत अच्छे योग के साथ है, सौभाग्य योग के साथ शुरू हो रहा है। और दूसरा सोमवार जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग का है, सर्वार्थ सिद्धि योग होगा उस दिन, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा उत्तम योग है। दूसरा सोमवार तो जो पड़ेगा वो पड़ने वाला है 2 अगस्त का, और तीसरा सोमवार है वो 9 अगस्त का है, चौथा सोमवार है वो 16 अगस्त का पड़ेगा। तो इस महीने में आपने पूजा पाठ तो जो करनी है वो करनी ही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखना है। या तो आप मंदिरों में अगर जा रहे हैं तो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ जाइएगा, जो आपने चीज़ें जितने रिचुअल्स करने हैं, बट अपनी सावधानी साथ में रखिएगा। अगर आप घरों में पूजा कर रहे हैं तो आपको कोई परहेज नहीं, लेकिन बाहर निकल रहे हैं तो आपको बहुत सारे परहेज रखने हैं। जल अर्पित करना है, गंगा जल अर्पित करना है, धतूरा, भांग के पत्ते और ख़ास करके बेल के पत्ते, बेल पत्र, ये सारी चीज़ें साथ के साथ बेल का फल चढ़ाया जाता है। इन सारी चीज़ों की अपनी एक महत्वता है, लेकिन साथ के साथ एक चीज़ का ध्यान रखना। मैंने एक वीडियो निकाली है, एक वीडियो डालूंगी, वीडियो है मेरे चैनल पर, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि हर दिन 29 दिन लगातार आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको। होता है कि एक दिन हम ये पूजा कर लें लेकिन अगले दिन हम क्या करें, क्या चढ़ाना चाहिए, तो मैंने पूरा 29 दिन रविवार से लेकर के जो 25 तारीख से शुरू होगा जुलाई से 22 अगस्त में ख़त्म होगा, पूरा ब्यौरा आप तक पहुंचाया गया है। और एक एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही शोध के बाद है, ताकि आप कोई भी रिचुअल इस बार पीछे ना छोड़ें, क्योंकि बड़ा ही योग और संयोग के साथ है ये सावन, जो आपकी बड़ी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। पारद शिवलिंग इसी महीने में अपने घर में स्थापित किया जाता है, अपने वर्क स्थान पर स्थापित किया जाता है, बहुत सारे कष्टों का अंत होता है पारद शिवलिंग आपके स्थापित करने से। मेरी वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो में पूरी जानकारी मैंने पारद शिवलिंग की दे रखी है। इस महीने में ही आपके काल सर्प दोष का निवारण होता है। यही महीना है, वो पावन महीना है जहाँ आप बहुत सारे समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। तो सारी वीडियोस एक एक बड़ी ही महत्वपूर्ण है, सारी वीडियोस ज़रूर मेरे चैनल्स की देखें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और रही बात अपॉइंटमेंट की, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ऑफिस के नंबर पर अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करते हैं, लेकिन ये नंबर जो होता है ये निजी पर्सनली अपॉइंटमेंट, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको स्पेशली बताते हैं कि पर्सनली अपॉइंटमेंट के लिए होता है। अगर आप पर्सनली अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, अपनी पर्सनली अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जो समय आपको दिया जाएगा कृपया करके उसी समय पर ही आप अपनी अपॉइंटमेंट के ज़रिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं, यानी फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉल से भी कर सकते हैं, और आकर के भी आप मिल सकते हैं, पर पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ। अगर आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा, इस वीडियो को तो शेयर एटलीस्ट आप ज़रूर कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये सही इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।